और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। ज़िंदगी की यही कहानी है, जो भी है सब फ़ानी है। मत भूलो के अंधेरे के बाद अल्लाह के रहमत की रोशनी है। अल्लाह उन्हें भी सब्र दे जो चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर दिल से टूटे हुए हैं। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है हमेशा साथ रहता है। लोग लाख बने रुकावटें, रास्ते अल्लाह बना ही देता है। मेरी ज़ात खाक सी मगर मेरा रब तो करीम है। अल्लाह ही इंसान का वफादार दोस्त है। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। मेरा रब तो वो है जो रूह की अज़ियत भी जानता है। सबसे बेहतर वो लुक्मा है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह और इंसान का है। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। अल्लाह ताला पर एतमाद हर बुलंदी की सीढ़ी है। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तकदीरें भी बदल देता है। सारे दुख तीन लफ्ज़ों पर आकर ख़त्म, अल्लाह है ना। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है दर हकीकत वही खुश किस्मत है। एक रब राज़ी रहे दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। सब्र करने वालों का अंजाम खूबसूरत होता है। अल्लाह के साथ ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब करे। ज़िंदगी सब्र से शुक्र तक का सफ़र है। देर से ही सही मगर अल्लाह देता ज़रूर है। आजमाइश तो फिर मनपसंद चीज़ों से शुरू होती है। दुआ दवा से ज़्यादा असर रखती है। अपने सब राज उस रब को बताया करो, यकीन मानो उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। वो कुन कहेगा और तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है वो चीज़ हमें कभी बेसकून नहीं करती।